नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मीनू। बताने जा रही हूँ, चैत्र नवरात्रि आ गई है। तो अब आप सुनिए कि चैत्र नवरात्रि में हम मकानों में कैसे करें सरल रीति से माता जी का हवन, तो देवी माता हमसे प्रसन्न हो जाएं और हमें नौ सिद्धि दे जाएं।
शिवाधात्रि स्वा सुधा नमस्तुते स्वा ओ ब्रह्म पुराणी त्रिपुरांतकारी भानु शादि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शक्रे शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति कर स्वा ओ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वा ओ त्रैलोक्य यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धन उर्वारुकमे वंदना मृत्युमुक्षे मार्तताम मृत्युंजय नमः स्वा ओ शरागत दिनात पत्राण प्राणे सर्व स्थाति हरे देवि गणि नमस्तुते। हवन के बाद घोड़ा ने मेकरावा बांध कर फिर चाकू से काटकर ऊपर के भाग में सिंदूर डाल लगाकर घी भरकर चढ़ा दें, इसको बोली कहते हैं। फिर गुण औते नारियल में छेद कर घी भरकर लाल टूल लपेट कर धागा बांधकर पान सुपारी लौंग चाय फल बताशा अन्य प्रसाद रखकर पूर्ण आहुति मंत्र बोले ओ पूर्ण मद पूर्ण मेद पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पुनस्य पूर्णमादाय पूर्णमूले विस्यते स्वाहा। पूर्ण आहुति के बाद कृतशक्ति रचना माता के पास रखते फिर परिवार से आरती करके अपने द्वारा हुए अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करें, क्षमा मांगे, तत्पश्चात अपने ऊपर किसी से एक रुपया उतरवा कर किसी अन्य को दे दें। इस तरह आप सर्व